हम यहाँ पहुंच चुके हैं औरंगी टाउन में इकबाल मार्केट में बहन के स्टॉल के ऊपर, और जिसको हरास किया जा रहा था या जो परेशान थी, एक बहुत बड़ी ऑफर गवर्नर साहब ने कहा, फौरन हमने उसके ऊपर ऑर्डर किया है। अच्छा बहन, अब मेरी बात सुने, आपके वालिद, आप वालिद हैं, इस मार्केट में ऐसी दुकान ले लें जहाँ पर जैसे फूड सेंटर खुलते हैं ना, उसका जो भी रेंट होगा 15,000 से 20,000 रुपए, वो हम पूरे साल का आपको दे देंगे एक साथ, ठीक है। अच्छा, उस दुकान का एडवांस भी जो होगा 5 महीने 6 महीने किराया होता, वो भी हम आपको एक साथ दे देंगे, ठीक है। आप दुकान ले लें, ताकि ये जो इसकी वीडियो आती है कि मुझे हरास किया जा रहा है या मुझे परेशान किया जा रहा है, जब आपकी अपनी दुकान होगी, गवर्नर साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, ये मार्केट के जो सदर है इनको, पुलिस को अगर उस बच्ची को किसी ने भी हरास किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, और इस बच्ची को नहीं, किसी भी बच्ची को सिंध में अगर किसी ने हरास करने की कोशिश की है, उसके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की, उसके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होगी। क्या मैसेज देंगे आज इतना बड़ा तोहफा इस बच्ची को दे दिया? जी देखिए, ये तो मेरे नॉलेज में आया और मैं यहाँ आ गया, जैसे जफर भाई ने बताया वो सारी चीजें तो हम खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ बहनों और बेटियों को ये कहा है कि गवर्नर जो इस सूबे का है वो उनका भाई है, भाई होने के नाते मेरी किसी भी बहन या बेटी को किसी ने मैली आंख उठाने की कोशिश की या छेड़खानी या कोई और चीज की या हरासा किया, तो फिर गवर्नर होगा और वो शख्स होगा। आज यहाँ आके मैंने इसके सर पे हाथ रखा है, अपनी बेटी का है, बहन का है, तो ये सुन लें वो सारे लोग कि जो हो गया सो हो गया, आज के बाद ना इसको हरासा किया जाएगा, ना किसी सूबे में, इस पूरे सूबे में किसी की बहन बेटी को कोई मैली आंख उठा के देखा। हाँ ये जब वो खाएंगे अरे आप पकड़ लीजिए भैया, जब खाएंगे जब ये हाँ ये अब आया मजा आ गया आलू खा के। और हमारे दुकानदारों की मोहब्बत करते बता ठीक है पहले आलू खाया हमने, हालांकि सारे मेरे मना कर रहे हैं, पीछे मैंने कहा भाई मजे लेने को, एक काफी के तो बड़े हुए।